नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर एसडीएम ज्योति मोर्रा के मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जहां पर पति ने ये बड़ा खुलासा किया है और 100 पन्नों की डायरी सौंपी गई है, जिसमें हर पेज पर शुभ लाभ लिखा है, करीब 6 लाख की वसूली कर दी है। इस पर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पद से हटाने की तैयारी में जुटी है सरकार, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि ज्योति मोर्रा को पद से हटा दिया गया है। ये खबर में अभी कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन जल्दी इस पर जाँच बिठाई जा सकती है। ये खबर बरेली से प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मोर्रा और उनके पति के बीच आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी है। इसी बीच 100 पेज की एक डायरी सामने आई है और यह डायरी खुद ज्योति के पति आलोक ने दावा किया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती है और करीब 6 लाख रुपए तक अवैध तरीके से कमाए जाते हैं। इस पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज्योति मोर्रा के बताया कि यहाँ पर एक डीजी होमगार्ड से बताया कि उनके अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर पति सरमन रखती थी, पति ने इसका बड़ा खुलासा किया है और जहाँ पर सफाई कर्मचारी पति आलोक पर अब वो तलाक मांगने की बात कह रही है। इनसे परेशान होकर अब यहाँ पर लगातार वो पीछा करता था और एक होटल में भी उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और जहाँ पर उन्होंने इसका खुलासा किया और अब यहाँ उन्होंने जाँच की मांग की है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। उधर ज्योति कौसाम्बी के चायल तहसील में साल 2019 से 21 के बीच तैनात थी और डायरी में इस दौरान भ्रष्टाचार से मिलने वाले रुपयों का भी हिसाब किताब लिखा है। अगर अक्टूबर 2021 की बात की जाए तो सिर्फ एक महीने में ही ज्योति ने 6.4 लाख रुपए अवैध रूप से कमाए हैं और इसका एक खुलासा किया है। हालांकि अभी पद से हटाने की जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। तो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रही चैनल पर, नए विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंदू।